40 लाख रुपए की लोडिंग है, ब्राबस किट है। हाँ जी, मतलब सीरियसली हैवी डोर है ये तो, बहुत हैवी। अभी बुलेट प्रूफ नहीं है, 10-10 लाख रुपए के सनरूफ होते हैं जी लोडिंग के पास। सीरियसली मैन, ये तो बहुत मैं खुश हो गया इसकी खुशबू से। तो ये तो ईयर एंडिंग सेल का ही प्राइस हो सकता है, वरना आपको मिल नहीं सकती ये गाड़ी। चार ऐसे फायदे जो वॉल्वो को लेने के बाद हमारे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया माइलेज होती है, पहला बेनिफिट माइलेज मिल गया, चलो जी बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी भी मिल गई, दूसरा फीचर्स, तीसरा हो गया फीचर, चौथा लग्जरी। लग्जरी तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माइक एंट्री मार्केट के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज आपको दिखाएंगे ब्रांड न्यू कंडीशन की गाड़ियां विद शिवम भाई फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियो। भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? ये देखो एक बार, की देखो, नॉर्मल मर्सिडीज की है लेकिन नहीं, पीछे है AMG का लोगो भी। बिल्कुल। और ये गाड़ी पता कौन सी है? ये गाड़ी वो है जो सिद्धू मूसे वाले भाई जब जिंदा थे तब भी उनकी एक फेवरेट गाड़ी यही हुआ करती थी कि भाई गड्डी लेनी है तो आप G63 AMG लेनी है। माफिया कार। अभी जो एनिमल मूवी आई है उसके अंदर भी रणबीर कपूर का एक शॉट ऐसा जिसमें 3 जी वैगन चल रही है, तो मतलब लोगों ने बहुत लाइक किया। वो भी ब्लैक कलर में थी। तो क्यों ना हम भी थोड़ा मतलब इनिशिएटिव लें और आपके लिए जी वैगन ही लेके आए। तो आज आपके लिए लेके आ गए हैं मर्सिडीज G63 AMG, वो भी नॉर्मल से बहुत ऊपर। शिवम भाई एक्सप्लेन करेंगे क्या लोडिंग है जी, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग गियर है और क्या क्या चीजें इसके अंदर ऑफर है। सर ये 18 मॉडल है, ब्राबस किट इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, ठीक है। 40 लाख का सामान लगा हुआ है गाड़ी में। अब वो किट में क्या क्या चीजें आ रही हैं एक बार हमारे व्यूअर्स को। ग्रिल चेंज हो गई है सर इसके अंदर, ठीक है। बोनट देख रहे हो, कार्बन का बोनट लगा हुआ है इसमें, करेक्ट। ब्राबस की बी के पसाइन हर जगह पे मिलेंगी आपको, परफेक्ट है। एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसका, एक्रोफॉबिक एग्जॉस्ट है, वेल्वेट्रॉनिक है, काफी लाउड एग्जॉस्ट है, बहुत नेक्स्ट लेवल आवाज करती है ये। यहाँ पे इसकी स्लाइड्स लगी हुई है, ये बहुत बड़ी है गाड़ी, कहीं आपको ये लग रहा हो कि ये कोई छोटी गाड़ी है, ये मैसिव कार है। हाँ जी, इसका बॉडी शेल यार बहुत अमेजिंग है, कितनी कंपनी से इसको कॉपी कर लिया है। हाँ, कितनी कंपनी से, रूबिकॉन हो गई आपकी, मतलब छोटी कंपनी से इतनी सारी कॉपिंग कर रही है सिर्फ जी वैगन को देख के भाई। वाकई अब ये देखो, ये अगर मैं इसको आवाज सुनना एक बार गौर करना, मैं माइक थोड़ा नजदीक रखता हूँ, ये देखो लॉक करो, सेटिस्फाइड साउंड है ये। क्या यार क्या बात है, कोई अनजान आदमी देखेगा अगर इसे अनलॉक करके तो कहेगा यार इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन गनशॉट वाली आवाजें आती है इसमें, मतलब सीरियसली हैवी डोर है ये तो, बहुत हैवी। अभी बुलेट प्रूफ नहीं है। हाँ। तब इतना हैवी ड्यूटी साउंड है। पीछे भाई ये कवर लगा हुआ है मर्सिडीज का जी, जो स्टेपनी कवर होता है। अब जो मेन मुद्दा है वो है इसके अंदर जाने का। शिव भाई कुछ कॉन्फ़िगरेशन, ब्लैक मतलब और रेड इंटीरियर दे रखा है इसके अंदर, ये भी चॉइस होती है, चॉइस होती है ये भी ब्लैक और रेड इंटीरियर का। इसमें बर्मास्टर्स के ऑडियो लगे हुए हैं, हीटेड एंड कूल सीट्स है इसके अंदर, सनरूफ है इसमें। जी वैगन है यार आपके पास, क्या बात कर रहे हो, G63 4 करोड़ की आ रही है आज के टाइम पे। बिल्कुल। वो भी मतलब पता नहीं कब मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी। अब लेकिन ये मिल जाएगी आपको जल्दी। और एक बार एग्जॉस्ट सुनाओ, सुनाए फिर बिल्कुल सुनाओ। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट, एक बार थोड़ा सा शिवम भाई एग्जॉस्ट के पास जाएंगे, मैं माइक लगाता हूं अपना, माइक नहीं यहीं से कैप्चर हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा बस। चलो 1 2 3 लेट्स गो। अभी ऑफ है ये एग्जॉस्ट। अच्छा ऑफ है, ऑन करो वहां से, अभी ऑन हो गया, रैप करो थोड़ा सा। पटाखे, लिटरली पटाखे हैं गाड़ी के, पाउजी हैं पाउजी। भाई मैं ज़्यादा इसको नहीं मतलब इसके साथ छेड़छाड़ करूंगा क्योंकि ये वाकई में अभी हम बहुत लाउड है। इंडोर है तो इंडोर तो वाकई बहुत ज्यादा लाउड है जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो सीट्स के जो फंक्शन है वो तो मिलते हैं, साथ में आपको बर्मास्टर्स ऑडियो मिलेगा इसमें आपको। इंटीरियर आप देख सकते हैं, स्टेयरिंग आप देख सकते हैं, बाकी डिफरेंशियल लॉक के सारे कंट्रोल है, यहाँ पे टच पैड है, ऊपर सनरूफ है। बताते हैं कि जी वैगन में सनरूफ भी एक लोडिंग का ही लोडिंग पार्ट होती है। बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर जब आप गाड़ी पैसे देके लगवानी पड़ती है, मतलब इस गाड़ी को आपको कन्फिगर करना पड़ता है। जब आप मर्सिडीज के शोरूम में जाके बैठते हैं तो मर्सिडीज आपको कहते हैं कि सर बताइए आपकी गाड़ी में आपको क्या क्या चाहिए, ये रहा बॉडी शेल, अब आप इसमें लोड करवाइए। जैसे गन में बुलेट लोड होती है, वैसे जी वैगन में लोडिंग्स पे लोडिंग होती है। मतलब सनरूफ लेना है। हाँ। मतलब एक बार ऐसा हुआ था ना कि मैंने विदाउट सनरूफ देखी। हाँ जी। तो मैंने, मेरा क्वेश्चन था, उरुस में भी यही हुआ था, उरुस में भी यही होता है, हमारे पास एक थी। बिल्कुल। तो मैंने जब ये क्वेश्चन रेज किया कि इतनी महंगी गाड़ी करोड़ों की इसमें क्यों नहीं है, वो कह रहे फिर लोडिंग है, लोडिंग है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसने नहीं लिया, नहीं लगवाई जिसकी थी। और लोडिंग भी लाखों की है, मतलब हजारों की नहीं है ये, मतलब 10-10 लाख
लाख रुपए के सनरूफ होते हैं जी, लोडिंग के पार्ट बिल्कुल। ये गाड़ी फॉर सेल है, फॉर सेल है। क्या डिटेल रहेगी इसकी? जो डिटेल है 18 मैन्युफैक्चरिंग, 18 रजिस्टर्ड कार है ये। आस्किंग जो कर रहे हैं 259.75 की कर रहे हैं, ठीक है। और ये दिल्ली नंबर कार है, दिल्ली नंबर, ठीक है। पेट्रोल वेरिएंट है जी, पूरी वैलिडिटी है। और एक चीज अगर आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये जी वैगन है, इसने बहुत सारे इतिहास भी बनाए हैं, लोगों ने इसे बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे टेस्ट भी किया है। बताते हैं ये 9 लाख किलोमीटर चल चुकी है कई कंट्री में, मतलब 9 लाख किलोमीटर कवर करने के बावजूद भी अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे वीडियोस वो आपको मिल भी जाएगी। और इसको मतलब टेस्ट इस हद तक किया गया है कि इसे तोड़ा गया है प्रॉपर अच्छे से, मतलब ऑफ रोडिंग, मतलब ऐसे हर चीज के लिए करा हुआ है, हर चीज के लिए बहुत केपेबल है गाड़ी। लेकिन ये गाड़ी सेकेंड हैंड में बहुत कम अवेलेबल होती है, तो ये एक ब्राबस किट वाली गाड़ी है जो आप अपना बना सकते हैं। और गाड़ी की कंडीशन देख लो, भले एक बार अलॉय व्हील देख लो, मतलब 21 इंचेस के अलॉय व्हील, इससे जाने का मन ही नहीं करता भाई। मैं तो AMG के ब्लैक कैलिपर्स, बहुत सुंदर देखो कितने बड़े हैं, बहुत सुंदर है। देखो हर कोई तो जी वैगन नहीं अफोर्ड कर सकता, हर किसी की नई प्रेफरेंस होती है, मुझे नहीं चाहिए। कईयों की प्रेफरेंस होती है कन्वर्टेबल गाड़ी, कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल में ये एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल, पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल है, 25,000 ड्रिवन है, 20 मॉडल है ये वाला। हाँ जी, आस्किंग जो है 40.75 की है, 40.75 मतलब 40,75,000 रुपए की आस्किंग है इस गाड़ी की, ठीक है। What about this X5? X5 है, 20 मॉडल है, डीजल के अंदर है ये भी, 34,000 ड्रिवन है, आस्किंग जो कर रहे हैं 77.75 कर रहे हैं। What about the Land Cruiser? Land Cruiser न्यू शेप ZX मॉडल है ये, बहुत डिमांडिंग भी रहती है। हम आस्किंग जो कर रहे हैं इसकी 259.75 की है, 23 मॉडल, सिर्फ 11,000 चली डीजल के अंदर। रेंज ओवर वोग है 19 मॉडल, 3 लीटर वाली है, लॉन्ग व्हील बेस, SE मॉडल है, आस्किंग जो कर रहे हैं 182.7 कर रहे हैं, 42,000 ड्रिवन है डीजल के अंदर, ठीक है जी। अब आपको दिखाते हैं ये 2 सीरीज, 2 सीरीज, 2 सीरीज में कितने ऑप्शन अभी मेरे पास? 2 अवेलेबल है अभी, 2 सीरीज इंस्टेंट अवेलेबल को मिल जाएगी, रेडी में खड़ी हुई है मेरे पास 2। 21 मॉडल है ये वाला, पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर, ठीक है। 220i एम स्पोर्ट है, टॉप इन वेरिएंट है, 22,000 ड्रिवन है, आस्किंग जो कर रहे हैं 39.75 कर रहे हैं। सी क्लास डीजल है, प्रोग्रेसिव मॉडल है, टॉप इन वेरिएंट है ये वाला, डीजल के अंदर 20 मॉडल है, 38,000 ड्रिवन है, आस्किंग जो कर रहे हैं इसकी 38.75 कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब इधर देख लेते हैं कुछ एक 6GT 21 मॉडल है डीजल के अंदर, 620D है ये वाली, लग्जरी लाइन है, आस्किंग जो कर रहे हैं हम इसकी कर रहे हैं 65.75 की, 38,000 ड्रिवन डीजल वेरिएंट। क्या प्राइस बोला आपने? 65.75 जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं BMW X1 की जी, GS 20 मॉडल, पेट्रोल के अंदर 17,000 ड्रिवन, आस्किंग जो कर रहे हैं 37.75 कर रहे हैं पेट्रोल की, ठीक है। अब हाइब्रिड मशीन आ जाए, हाइब्रिड कह रहा हूँ, सॉरी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मशीन, प्योर इलेक्ट्रिक है ये, ऑडी ई-ट्रॉन, 1 करोड़ की नई गाड़ी आती है ये, 21 मॉडल है, 23,000 ड्रिवन है, प्योर इलेक्ट्रिक कार है, इसकी ड्रिवन ज्यादा रहती है, वो प्रेफर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कार को जिसमें डेली ड्राइव करना है, लोकल में लोकल ड्राइव करना है बिल्कुल। आस्किंग जो कर रहे हैं 77.75 कर रहे हैं, ठीक है। वेला वेला रही है ना? बिल्कुल वेला आ रहा है, यही तो है ब्लैक, ब्लैक जी, ब्लैक ब्यूटी है ये, ब्लैक ब्यूटी। मेरे पास 3 वेलार अभी इंस्टेंट अवेलेबल है, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तीनों पेट्रोल के अंदर है। ये इसकी बात करूं, ये 20 है, 20, और जो अदर है सारी 20 है मेरे पास, टोटल सब पेट्रोल के अंदर है, ठीक है जी, जो हाईली डिमांड में रह रही है आजकल। इसका बताइए, ये 20 मॉडल है, 38,000 ड्रिवन पेट्रोल के अंदर, आस्किंग जो कर रहा हूँ इसकी कर रहा हूँ 72.75 की कर रहा हूँ, 72.75 की मिल जाएगी आपको वेलार। जो अदर ऑप्शन है वो कलर बताइए, व्हाइट कलर है और एक और ब्लैक में है, की भी रेंज 72 के आसपास रहेगी, 78-77 इस तरीके से रेंज में है, 78 है वो जी, वो कम ड्रिवन है, वो 19,000 ड्रिवन है। तो ऑप्शन देखो दोस्तों, अगर किसी को जैसे ब्लैक हर किसी की प्रेफरेंस नहीं होती है, कई लोग कहते हैं कि हमें व्हाइट चाहिए, तो वेलार में व्हाइट भी इनके पास अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए अब एक मेरे ख्याल ये वाली BMW रह गई थी, इसको देखते हैं आगे, 330 Li, ये लॉन्ग व्हील बेस वाली कार है ये, न्यू शेप जो भी करंट शेप आ रही है, जो भी करंट शेप चल रही है मार्केट के अंदर, ये वही वाली कार है, 23 मॉडल है ये, सिर्फ 8,000 चली हुई पेट्रोल के अंदर। मतलब अभी अगर हम BMW जाएंगे तो करंट शेप यही चल रही है, ठीक है, बड़ी स्क्रीन वाली है ये, ओके जी, Li है, लॉन्ग व्हील बेस वाली, इसको एक बार अनलॉक करके भी देख लेंगे 23 वाली BMW को, ताकि आपको अंदर से इंटीरियर हम लोग ना दिखा पाए, और अंदर से जैसे इन्होंने कहा कि बड़ी स्क्रीन है इसकी जी, तो बड़ी स्क्रीन भी न्यू शेप वाली है ये। तो आइए दोस्तों अब ये चेकआउट करिए, बहुत सुंदर है ये गाड़ी, वाकई बहुत सुंदर है सर, एम स्पोर्ट, ये देखो आप स्क्रीन देखो कितनी बड़ी, टॉप वेरिएंट है ये, इसका गियर नॉब चेक करो, छोटे गियर नॉब कर दिए हैं, अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये लॉन्ग व्हील बेस है, स्पेस की कुछ लॉन्ग व्हील बेस है, तो ये देख लीजिए, अगर आप पीछे वाली सीट में देखेंगे स्पेस, तो ये आप चेकआउट करिए। BMW के अंदर कुछ नहीं भी बढ़ा दी गई है, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है यार, BMW खुद की फ्रेग्रेंस है ये यार, काफी अच्छी है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है।
सीरियसली मैन, ये तो बहुत मैं खुश हो गया इसकी खुशबू से. बिल्कुल, 23 मॉडल है, सिर्फ 8000 चली हुई. नई वाली फ्रेग्रेंस जो आती है वही वाली है. चेक आउट द अलॉयज गाइस. अब नई से अगर आप लोग डिस्काउंट दोगे तो ही तो लेने का फायदा है. न्यू आती 72 की और हम 6175 की. हाँ, तो ये हुई ना डील. बिल्कुल, अब ये है 6175 की डील जो आप कर सकते हैं अपना और ले जा सकते हैं अपने घर. अब चलते हैं, ये तो एम स्पोर्ट होगी. अब एमजी कुछ देख लेते हैं. इसको परफॉर्मेंस चाहिए, वीकली में निकालनी है कार, तो ये वो वाली कार है. रोज नहीं चला सकते इसको? रोज कम चलाओ, क्योंकि 3-4 की एवरेज देती है. सुपर की एवरेज नहीं है इसकी. ओके, अगर डेली चलाते हो तो डेली भी चला सकते हो. बिल्कुल, वो डेली चलाए. क्या डील है? 19 मॉडल है, 45,000 ड्रिवन कार है ये. आस्किंग जो कर रहे हैं 65.75 कर रहे हैं. मेरी जो फेवरेट है ना इस टाइम पे एसयूवी, वो है ये. ये भाई ये एसयूवी नहीं है, ये मतलब ये किंग एसयूवी है. किंग सपना ये. हाँ, वो आता ना रील पे, ये सपना है, इसे अपना बनाना है. किंग है एसयूवी ये. देखो मैं इसके पास खड़ा हूँ, इसके मिरर तक ना मेरी हाइट देख लो, कहाँ पहुंच गया हूँ मैं. बिल्कुल, और इसमें लोडिंग्स भी काफी सारी लगी हुई है. अंदाजा लगा सकते हो फिर जी. ये मेरी हाइट छोटी नहीं है, ये गाड़ी टॉल है भाई, समझना मेरी बात को. 19 मॉडल है ये. बताइए इसमें लोडिंग्स है, इंटीरियर एक बार इसे अनलॉक करके हम देखना चाहेंगे रेंज रोवर स्पोर्ट को. इसके अंदर ना कार्बन फाइबर का काम दिख रहा है, जैसे बूट पे भी कार्बन फाइबर है. ठीक है, ऊपर कार्बन फाइबर है इसका, स्टीयरिंग कार्बन फाइबर का. ऑटो स्टेपर भी है इसके अंदर. बिल्कुल, साइड के मिरर जो है वो भी कार्बन फाइबर. आप इंटीरियर चेकआउट करो दोस्तों एक बार, इंटीरियर है बहुत सुंदर लगेगा. इसके अलॉयज भी चेंज है, ऑटो फुट स्टेपर्स लगे हुए हैं, बहुत सारा सामान लगा हुआ है गाड़ी के अंदर. क्या हम ये मान के चले ये गाड़ी का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,30,00,000 होगा? उससे भी कम. क्या हम ये मान के चले कि इस गाड़ी का प्राइस 1,20,00,000 होगा? उससे भी कम. क्या इसका प्राइस 1,00,00,000 होगा? उसके आसपास ही है. उससे भी कम, तो देख लेते हैं दम. 99.75 की आस्किंग कर रहे हैं रेंज रोवर स्पोर्ट. 19 मॉडल की पेट्रोल वेरिएंट है, HSC टॉप एंड वेरिएंट. तो ये तो ईयर एंडिंग सेल का ही प्राइस हो सकता है, वरना आपको मिल नहीं सकती ये गाड़ी. मतलब 99,75,000 की डील, वो भी ऊंचा मॉडल. बिल्कुल, विद फुली लोडेड चीजें भैया. इसमें दो ऑप्शन मेरे पास और भी है. इसमें रेंज रोवर स्पोर्ट के अंदर भी इसी रेंज के आसपास होंगे या 1 CR प्लस जाएंगे? वो एक प्लस है, एक माइनस है. ठीक है, एक प्लस है, एक माइनस है. वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं. रेगुलरली स्टॉक जो है वो अपडेट होता ही रहता है. अब बात करते हैं वर्ल्ड की सेफेस्ट कार. बिल्कुल, चार ऐसे फायदे जो वॉल्वो को लेने के बाद हमारे हो जाएंगे, बताओ. बहुत बढ़िया माइलेज होती है, पहला बेनिफिट माइलेज मिल गई. चलो जी, बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी भी मिल गई. दूसरा फीचर्स, तीसरा हो गया फीचर, चौथा लग्जरी. लग्जरी, क्या सही आपने बिल्कुल बताया. अब डील हो जाए. 20 मॉडल है, डीजल वेरिएंट, इंस्क्रिप्शन टॉप एंड वेरिएंट है, सिर्फ 22,000 चली हुई है. नाम बताओ गाड़ी का? वोल्वो S90. ठीक है, और डील बताओ. आस्किंग जो कर रहा हूँ 44.75 कर रहा हूँ. ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी. अब बढ़ते हैं बीमर की तरफ. तो ये है एक, अच्छा ये वाली BMW में और इस वाली में जी फर्क क्या है? सर वो 3 सीरीज है, ये 5 सीरीज है. ये 5 सीरीज है, ये भी न्यू शेप वाली है. स्पेसिफिकेशन 22 मॉडल है, 2 लीटर में है ये कार. मेरे पास 2 अवेलेबल है, एक और भी अवेलेबल है लिमिटेड एडिशन वाली. ठीक है, वो भी मिल जाएगी. उसके BMW लोगो होता है, वो अलग होता है. ओके, वो भी है मेरे पास. जारे एडिशन? बहुत, बिल्कुल, वो लिमिटेड एडिशन आया था वो. ठीक है, वो भी मिल जाएगी मेरे पास. क्या डील है? ये इसके बात करूं, 22 मॉडल है, अप्रोक्सीमेटली 22,000 के आसपास चली हुई है डील प्राइस. पेट्रोल के अंदर आस्किंग जो कर रहा हूं 59.75 कर रहा हूं. ठीक है, 59.75 की आस्किंग है जी, जो कि आप यहां पे आके गाड़ी खरीद सकते हैं. ये कुछ गाड़ियां हैं जो हमने आपको दिखाई, जो कि आपको मतलब दिख रही है यहां पे. बाकी अगर आप लाइव स्टॉक चेक करना चाहते हो और यहां पे विजिट करना चाहते हो, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो? ये शिवम 88 5 88 6 हमारे शोरूम भी विजिट कर सकते हैं दिल्ली रजौरी गार्डन के अंदर. ठीक है, बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग आ सकते हैं. 7 डेज ऑफिस ओपन रहता है, शोरूम पे आपको गाड़ियां दिखती हैं और हम बहुत ही जल्द और माइंड ब्लोइंग स्टॉक लेके आएंगे ऑटोबस इंपीरियो से. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों.